संघर्ष किया है। यही नहीं, अलग धारणा की बात करें उसमें भी 88 साल लगे हैं और 88,000 शहादत हमने लिया है। चाहे आप जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, एन ई भरो की बात करें, कार्तिक उराव की बात करें, खेमदेव राव की बात करें, पोर दयाल की बात करें, वो कड़ी धीरे धीरे जाकर विनोद बिहारी माथो चीफों द्वारा निर्माण माथो से जाकर जुड़ती है। तो सैकड़ों शहादत के बाद, बलिदान के बाद हम लोग झारखंड मिला है। झारखंड गिफ्ट में ना मिला है, उपहार में तो नहीं मिला है, संघर्ष और शहादत के बाद हमें ये झारखंड मिला है। आज इस झारखंड को बचा के रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है। आज सरकार के माध्यम से जितनी सरकारें आज तक बनी हैं हमारे राज्य में, जितनी सरकारें बनी हैं उन सरकारों में कुछ एक लोग होंगे जिसे गीता की बात करें, उन्होंने उस समय भी काफी विरोध हुआ था जब उन्होंने झारखंडी के लिए आवाज उठाई थी। वो हमारे बीच समाज की बात आज मंचासी ने, उनको भी नमन करते हैं। जय सरकार ने थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आवाज को बुलंद किया था। तो कुछ एक लोग थे जो सरकार में रहे या विपक्ष में रहने के बाद भी आवाज उठाया है, बाकी जो लोग हमारे बीच है उन्होंने हमेशा झारखंड के प्रखंड में हमेशा एक गुनहगार बनकर काम किया है। चाहे कोई लोग रहे, झारखंड उठता रहा, झारखंड बिकता रहा, झारखंड जलता रहा और वे केवल और केवल अपनी कमाई देखते रहे। आज 81 वो विधायक है, 81 विधायक में शायद 72 को या 73 को झारखंडी है था, ध्यान आ गया, लेकिन फिर भी उन लोग मैंने चुपचाप है। उन लोग 7 को 8 को है तो पूरा विधानसभा को हिला के रखता है, उन लोग चुपचाप है। अच्छा एक बात बताइए, आज हम लोग इतना सभा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, क्या भोजपुरी मजाही वालों ने कभी आंदोलन किया है कि हमको शामिल कीजिए? कभी आंदोलन किया है तो समझना होगा ना, यही तो फेल है कि उनको बिना आंदोलन के बिना आवाज उठाए उनको कुछ भी मिल जा रहा है और हम लोग लाखों की संख्या में आंदोलन करते हैं, सड़कों में आते हैं लेकिन फिर भी हमें हर अधिकार से वंचित किया जाता है। तो आज नए झारखंड के निर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि नया झारखंड बनाना हम सभी का कर्तव्य होगा, इसमें सबको कांधे से कांधा मिलाकर चलना होगा। और हम तो बार बार करते हैं और सौभाग्य से हमारे मंच में भी और हमारे सभा में भी माताएं बहने नारी शक्ति बैठी हैं। लोग हमसे पूछते हैं विशेषकर मीडिया कि भाई इस आंदोलन का नेता कौन है, वही गली दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का नेता कौन है आप बताइए, हमको बार बार पूछते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं कि इस आंदोलन का नेता महिला लोग हैं, माँ बहन काफी जैसी लोग इस आंदोलन का नेता है। इस आंदोलन के नेता हम तो उन्हीं के माना जाओ मुझे पता ना, इस आंदोलन का नेता आप लोग को मानते हैं, आप क्यों मानते हैं तो बता देते हैं। पता नहीं आप वो कल्चर आपका रांची तरफ है कि नहीं, हमारा धनबाद और बोकारो में है। जगह आल किधर बुझा, आल किधर टॉली बुझा, छोटे बच्चे हाँ, तो अगर घर में लड़का होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग गाँव देहात में कहते हैं हरवाहा, आप लोग समझते हैं हरवाहा माने जो हार जोड़ता है खेती के टाइम। तो लड़का अगर पहला होता है तो उसको हम लोग हरवाहा करते हैं और लड़की पहला होती है उसको रोपनी करते हैं। इधर भी है कहते हैं ना, लड़का को हरवाहा लड़की को रोपनी, इधर भी कहते हैं ना। आप देखिएगा कि हम क्यों कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेता हमारी महिलाएं हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हरवाहा का सिस्टम खत्म होता है, हरवाहा का सिस्टम खत्म हो गया है क्योंकि खेत में ट्रैक्टर घुस गया है, यानी हरवाहा का काम खत्म हो गया है, आसान हो गया है। रोपनी का काम है कि नहीं है? रोपनी का काम आज भी जिंदा है क्या? रोपनी का काम आज भी जिंदा है। इसीलिए हम कहते हैं आंदोलन का नेता काकी रहे, जेठी रहे, दीदी रहे, ये लोग नेता है। इसीलिए कहते हैं कि हरवाहा का काम खत्म है, आसान है, रोपनी का काम आज भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आंदोलन का नेता महिला लोग है। दीदी ने जिक्र किया, हम भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि तमाम की पहाड़ियों के नीचे सोना है, ये सरकारी रिपोर्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि तमाम की पहाड़ियों के नीचे सोना है। अब चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि सोना है भी, एक रिपोर्ट है कुछ लोग अच्छा ही होगी 1% रहे 8% रहे, तो यदि सोना मिल भी जाता है ना,
जब भी सोना मिलने जाता है, एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो झारखंड के मूल हैं, आदिवासी हो मूलवासी हो, उनमें से कितना के गर्दन में सोना दिखेगा? दिखेगा क्या? अरे कोयलांचल हमारा धनबाद है, जहाँ कोयला उगता है वो कोयला का गाड़ी से भरे इन लोग लखपति का अर्थपति बन गया, और झारखंड का जो वहाँ लोकल आदमी है वो कोयला का धुआं से बीमार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, यदि यहाँ से सोना मिल भी जाता है तो वही पूंजीपतियों की नजर होगी, वही बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े कॉरपोरेट होने की नजर होगी? ये सच्चाई है। समाज की पहाड़ियों में सर्वे हुआ है, तो सर्वे की टीम का नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने रिपोर्ट तय किया है कि यहाँ पहाड़ियों के नीचे सोना है। तो सोना अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, यहाँ के जो आम व्यक्ति है उनका कुछ भला नहीं होगा, उनका कुछ भी भला नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सोना से क्या मतलब है। उन्हें चाहिए जल जमीन जंगल, और ये सरकार लगातार उनको नष्ट करने पर चली है। तो आज ये लड़ाई हमें इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते, ये लड़ाई आज इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते तो बहुत नुकसान होगा। देखिए नुकसान कहाँ कहाँ होगा, इस बात को समझना होगा। पहली बात, झारखंड के लोग हमेशा अपने जमीन पर गर्व करते हैं कि भाई कुछ नहीं है ना तो बाप का खेती है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं नौकरी चाकरी हुआ कोई बात नहीं है, काम धंधा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हमारा पिताजी है, मेरा दादाजी है, उसका जमीन है, उसका खेत है, उस पर हम खेती करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं कि सरकार तो जमीन छीनने के लिए ऐसा नियम बना रही है, लैंड पोल बिल 2021 में वो बिल आया है, उसका नाम है लैंड पोल बिल। उसके माध्यम से, उस बिल के माध्यम से 20 किलोमीटर के डायमीटर में जो जमीन आएंगी सरकार मनमानी ढंग से उसको ले सकती है, सरकार मनमानी ढंग से उसको ले सकती है। यही नहीं, आज जितना कंपनी कल कारखाना हमारी जमीनों पर बसा है, अगर उनको 1 एकड़ चाहिए तो लोग 3 एकड़ अधिग्रहण करता है, डीबीसी रहे चाहे बीसीसीएल रहे चाहे ईसीएल रहे, यदि कंपनी को 1 एकड़ चाहिए जमीन वो लोग 3 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करता है। बहुत ही साजिश के तहत यहाँ के लोगों की पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। और एक बात, बीसीसीएल रहे चाहे डीबीसी रहे, डीबीसी में सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, पानी सबसे ज्यादा डैम कहाँ है, आपका झारखंड में है, यानी डीबीसी का जितना छोटा से बड़ा इकाई सब कहाँ है, झारखंड में है, लेकिन उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में है। डीबीसी का छोटा छोटा सब डिपार्टमेंट कहाँ है, झारखंड में, डीबीसी का मतलब झारखंड से, दामोदर तो डीबीसी का संबंध है झारखंड से है, लेकिन उसके हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। तो सोचिए कितना अन्याय हो रहा है। कोयला खनन कहाँ होता है, कोयला का झारखंड में, जिसे मुख्य रूप से धनबाद, कोयला का खनन होता है झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में है, यानी झारखंड के लोग बेवकूफ है भाई, झारखंड के लोग क्या है, मूर्ख है, इसका मतलब है। और एक कहावत था, किसी ने कहा था कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो से पसीना, मेरा पानी मेरा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। झारखंड का डैम चाहे चांडिल का डैम रहे, मचान का डैम रहे, चाहे पंचेत का डैम रहे, कोणार का डैम रहे, या तिलैया का डैम रहे, या तेलुघाट का डैम रहे, वहाँ बिजली निर्माण होता है। और बल्ब कहाँ जलता है, बंगाल और बांग्लादेश में, शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बल्ब जलाती है, और यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। तो यही लड़ाई है। अब सत्ता सामने आए चाहे पूंजीपति सामने आए, एक ही मैसेज होगा कि हमर पानी हमर पसीना, तो बिजली में पहले हम जलेबो, हमर से बचबो तब तोरा देबो। वो नीति अब नहीं चलेगी, वो नीति अब नहीं चलेगी, हमर पानी और हमर पसीना तो बिजली भी हम चलेबो, हमर खोले तो चूल्हा भी पहले हमर जलेबो, हमर सोबर भी तो हमसे अगर बच जाएगा कोयला तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का चूल्हा जलाइए, हमको दिक्कत नहीं है, संसाधन मेरा है, हक मेरा होगा, अधिकार मेरा होगा। यही लड़ाई है, इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि आज नहीं लड़ते हैं तो नुकसान बहुत भारी होगा। आप जिन चीजों को सोच रहे हैं, जो चीजें हमारी हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, लगातार नियम बनाकर वो चीजें ली जा रही है, चाहे जमीन हो, भाषा हो, संस्कृति हो, हर चीज को मिटाने का प्रयास हो रहा है।
आपको एक और साजिश बता रहे हैं, कभी कभी सड़क चौड़ीकरण ऐसा जगह होता है जहां आवश्यकता नहीं होती है। सड़क चौड़ीकरण समझ है ना, यानी सड़क को चौड़ा चौड़ा करना, टू लाइन से फोर लाइन करना, सिक्स लाइन करना। और वहां क्या प्लानिंग होता है कि जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनसे हजार रुपया अधिग्रहण करने वाले लोग को पहले सारी सरकार लोग बता देते हैं, क्योंकि सरकार में भले हमारे लोग बैठे हैं विधायक बन के, लेकिन आईएएस आईपीएस बन के सब बाहर के लोग अधिक्रमणकारी लोग बैठे हैं। और एक कहावत है ना कि भाई बाहर के लोग हमारे दर्द को नहीं समझेंगे, तो वे लोग इंडिकेट करते हैं जहाँ सड़क का निर्माण करना हो। ये सामने एक बात आई है, सीएम बता रहे धनबाद का मामला है, जबकि वहाँ कोई जरूरत नहीं थी सड़क चौड़ीकरण की। वहाँ अगर वो पतला रोड भी जाएगी ना तो लोग आराम से जा सकते हैं। वहाँ सूचना दी जाती है कि कुछ सालों में कुछ दिनों में वहाँ एक योजना लेकर आएंगे सड़क चौड़ीकरण। आप लोग हैं तो अगल बगल जमीन खरीद लीजिए, और बिल्कुल कोड़ी के भाव, कोड़ी के भाव जो ग्रामीण है चाहे झारखंड के मूलवासी आदिवासी हो, उनसे जमीन खरीदी जाती है और दो साल बाद वही बिल्डर लोग उसको लाख रुपया इसमें देते हैं। ये सच्चाई है। तो बहुत साजिश, बहुत प्लानिंग के साथ जो झारखंड की पहचान बची है अभी उसे भी बेचने का प्रयोग काम चल रहा है। आप इसी सरकार की बात कीजिए ना, कहती है मतलब माटी की सरकार है, कहती है ना भाई कि जल जमीन जंगल की सरकार है। तो एक बात बताइए, जल जमीन जंगल की सरकार 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलेगी? कुछ दिन पहले विधानसभा के सामने क्रिकेट का मैच हुआ था इन लोग का, आप लोग देखे होंगे फेसबुक में या प्रेस के माध्यम से कहीं टीवी में, विधायक लोग मंत्री लोग क्रिकेट का मैच खेल रहा था, 70 लाख खर्चा हुआ। जितना मंत्री है 6-6 करोड़ में लोग का घर बनेगा, और जो आगे बोलेगा हम लोग जमीन की सरकार है, जमीन से जुड़ा है, 6 करोड़ में घर बना लेगा और बोलेगा हम लोग जमीन से जुड़े हैं। तो आज सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि झारखंड के साथ हो क्या रहा है। हमने जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड बनाया था, आज झारखंड फिर से बेबस है, लाचार है, और लगातार यहाँ के हर चीजों में, हर मामलों में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो किसी ने एक नारा दिया था बिहार के मंत्री ने कि अलग हुआ झारखंड अब कया सकरखंड, सकरखंड समझते हैं ना, कि अलग हुआ झारखंड अब कया सकरखंड। तुम लोग बहुत होशियार था, बहुत होशियार था कि सकरखंड कहे खाएंगे भाई, झारखंड में कोयला है, झारखंड में अफरात है, झारखंड में बॉक्साइट है, झारखंड में ब्रोमाइट है, झारखंड में यूरेनियम है, तो क्या है हम लोग सकरखंड खाएंगे? झारखंड अलग हुआ है ना, अधिकारी तो फिर हमारे ही रहेंगे ना। धीरे धीरे लोग ऐसा नियम बनाया, ऐसा रास्ता खोला कि बाहर के लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, झारखंड को तबाह कर सकते हैं, झारखंड को लूट सकते हैं, और फिर जाए या इधर रह जाए अतिक्रमण करके, या उन पर निर्भर करता है। जबकि भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत का संविधान आर्टिकल 5(1) आती है इंडिया के कंट्री ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ यानी क्या, कि सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी तो होता है कि भारत राज्यों का संघ क्यों होगा, भारत भारत क्यों नहीं होगा भाई, भारत भारत क्यों नहीं होगा, कहे राज्यों का संघ होगा? तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि पूरा भारत एक नहीं है, कहीं बोली अलग है, कहीं भाषा अलग है, कहीं खान पान अलग है, कहीं पहनावा अलग है, कहीं मान्यता अलग है, कहीं जमीन के टुकड़े अलग है। इसीलिए भारत भारत नहीं होगा, भारत होगा लेकिन राज्यों का भारत होगा। तो जब सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, तमिलनाडु की तमिल पहचान है, तेलंगाना की तेलुगु पहचान है, गुजरात की गुजराती पहचान है, महाराष्ट्र की मराठी पहचान है, तो भाई झारखंडी की भी पहचान होनी चाहिए ना। आप भाषा से तय कीजिए, आप झारखंड की पहचान को भाषा से तय कीजिए, या संस्कृति से कीजिए, या खतियान से कीजिए, एक वो तो आधार बनाना होगा ना, एक वो तो आधार बनाइए। अगर भाषा नहीं हो पा रही, क्योंकि झारखंड में क्षेत्र लैंग्वेज डॉक्टर रामदयाल मुंडा लोग लैंग्वेज रिपोर्ट करते हैं, चलिए ठीक है, आप भाषा संस्कृति पे आइए, अगर वो अभी नहीं मेल खाती है तो 1932 का खतियान जो डेडलाइन तय किया जाए उसको तय कीजिए, उसी से तो बिहार अपनी स्थानीयता तय करता है। आपको झारखंडी कौन है इसकी पहचान तो करनी होगी ना,
क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी कोई भी आ सकता है, हमारे हक अधिकार को छीन सकता है। और वही हुआ, चाहे दरोगा बहाली हो, चाहे आपका 2016 का टीचर बहाली हो, गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीट था, आपके बगल में गोड्डा और गिरिडीह जिला है, वहाँ 52 सीट था, 48 को बहाली होकर हुआ है, 48 को सीट बाहरियों को दिया गया है। तो क्या इसी दिन के लिए झारखंड, क्या इसीलिए शहादत, क्या इसीलिए इतना हमने खून बहाया था? तो इन चीजों को समझना होगा। और साथ ही साथ नियोजन नहीं, भाषा और संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। आज हमारी संस्कृति बहुत मिठास है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हमें भाषा, संस्कृति, माटी सबको बचाना, इसीलिए लड़ाई है। मैं तो एक उदाहरण दूंगा, आप लोग अगर समझते हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि हमको लगता है थोड़ा सा हमारे बोली का डिफरेंस है। देखिए हमारी भाषा, विशेषकर महिला मंडली से हम कहेंगे, हमने की भाषा जो है ना बहुत खूबसूरत है, हमने भाषा चाहे बोली चाली बहुत खूबसूरत है। आप लोग घड़ा समझते हैं, घड़ा हिंदी में घड़ा कहा जाता है, इंग्लिश में पोट कहा जाता है। अगर बड़ा है तो बड़ा घड़ा और छोटा है तो छोटा घड़ा, लेकिन घड़ा ही कहेंगे। और हम लोग की भाषा में क्या कहते पता है? आप लोग इधर कहते हैं कि नहीं घर बाजू बोकारो, हमें क्या कहते पता है? अगर इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा है तो चुका कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा है तो घैला कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा है तो हाड़ी कहते हैं, और उससे भी बड़ा है तो हाड़ा कहते हैं। आप लोग समझ है? तो कितना खूबसूरत, कितना मिठास है हम लोग की भाषा में, हमारी बोली चाली है। एक एक चीज को हम लोग पांच जैसा बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी वाला पोर्ट, पीओटी पोर्ट, अंग्रेजी खत्म और कुछ नहीं। हिंदी वाला क्या बोला? घड़ा, खत्म। बड़ा घड़ा चाहे छोटा घड़ा। और हम लोग का खूबसूरती देखिए, चुकनी फिर चुका फिर घैला फिर हाड़ी फिर हाड़ा, है ना? तो इतना खूबसूरत हमारी भाषा है। और एक बात, ये जो माटी आज जिस पर कंपनी के लोग नजर गड़ा के बैठे हैं सरकार के माध्यम से, ये माटी किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया है, हमारे पुरखों ने मेहनत से सजाया है। आपने छोटा में एक जो लड़का या लड़की हो कुछ काम नहीं करता था, वो खेलता कूदता था, और जब घर में खाना खाने मांगता तो घर वाले को गाली देते थे कि काढ़ा करके ला लड़की। आप लोग शायद नहीं समझ इस लाइन को, क्या काढ़ा करके ला लड़की? धनबाद बोकारो में हम लोग इस टाइप का गाली देते हैं, अगर घर में हम लोग काम नहीं करें तो लोग कहते हैं कि काढ़ा करेगा लड़की। तो देखिए आज थोड़ा सा समझाता है कि काढ़ा का मतलब क्या है। काढ़ा का मतलब है कि हमारे जो पुरखे थे आज से 200 साल 300 साल पहले अपने घर में ताला लगा के अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनका जो बैल हो काढ़ा हो, काढ़ा समझते हैं, बैल काढ़ा को लेकर उन जगह में जाते थे जहाँ की जगह, जहाँ की मिट्टी, उसमें कंकड़ था, पत्थर था, कांटा था, और उसको कोर कोर के, उस मिट्टी को कोर कोर के समतल बनाते थे, फिर वो घर आते थे, उसी को काढ़ा कहा जाता है। सही बात है ना? तो एक बात बताइए, कितना मेहनत से हमने मिट्टी को कोड़ा है, काटा है, चाहे गैटा से, कुदाली से, जिस माध्यम से हमने काटा है, मेहनत से काटा है, तब उसको जोतने के योग्य बनाया है। और आज यदि ये लोग हमारी मिट्टी पर नजर गड़ाएंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है उन लोगों से उनकी भाषा में बात करनी होगी। आखिर डर के कब तक जीना है? अरे भाई माटी हमारी, नदियां हमारी, पेड़ पौधे हमारे, जंगल हमारे, तो डर के कब तक जीना है? डर के नहीं जीना है। और भाई डरना क्यों, मरने से डरना क्यों? ये नदी नाला पर्वत पहाड़ सब एक दिन मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? और ये धरती, इतनी विशाल धरती, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैली हुई धरती, ये सूरज 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ सूरज, ये एक दिन मर जाएंगे। तो हम तो छोटे से इंसान हैं, हम तो छोटे से इंसान हैं, डरना क्यों भाई? लेकिन इतना है कहेंगे, जब तक रहेंगे अपने हक अधिकार के साथ जिएंगे, अपनी भाषा अपनी संस्कृति के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा देखिए साजिश कहाँ है। आज झारखंड के तमाम यूथ
सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं, बात सही है ना। कहीं भले ये धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये चिंगारी संथाल परगना और प्रधान भी जा चुकी है और अपना दक्षिणी छोटा नागपुर भी आ चुकी है, आई है ना। अब एक बात बताइए, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट झारखंड के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट झारखंड के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो बगैर से किसके लिए है? जाहिर सी बात बाहरियों के लिए है। सोचना होगा कि जब पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, वे तो आंदोलन कर रहे हैं, वे तो आंदोलन कर रहे हैं। आज हम अपना ही बात बता रहे हैं, 60 दिन से हम करने गए हैं, आज 2 महीना से हम घर का दर्शन नहीं किए कि मेरा घर कैसा है, आंदोलन कर रहे हैं। हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो सरकार को बताना होगा कि वैकेंसी आप किसके लिए देने लेके रखे हैं। जाहिर सी बात है, बाहरियों के लिए। आप कितना सेटिंग हुआ है पैसा का, ये तो सरकार जाने, सरकार के मंत्री जाने, उनके अधिकारी जाने। सीधा संदेश है। आप देखिए टेक्निकल बात, जब पेपर आता है तो पेपर में लिखा रहता है ये जो बहाली है, ये जो वैकेंसी है, केवल झारखंडी लोग भरेंगे। पेपर में लिखा रहता है, अगर पेपर है तो पेपर में लिखा रहता है कि ये वैकेंसी केवल झारखंडी लोग भरेंगे, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन जाइएगा वहाँ लिखा रहेगा आर यू सिटीजन ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप कहिएगा हाँ, तो ठीक है, अगर निवासी हैं तो दीजिए आवासीय दीजिए। आप क्या कीजिएगा, आवासीय का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा, यदि फोटो है तो क्रॉप करके फोटो दीजिएगा, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रखा होगा जेसी कोना में आवासीय का जो भी साइकिल उसको आप डालिएगा, तब आपका फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन आप कैसे कीजिएगा कि हम झारखंड के निवासी नहीं है, आपको और कुछ नहीं मांगेगा, फॉर्म सबमिट हो गया, ट्राई कीजिएगा। आपसे और कुछ नहीं मांगेगा, जैसे आप कीजिएगा ना कि हम झारखंडी नहीं है, आर खतियाना जाती है आवासीय फॉरम सबमिट। इतना ये लोग गांव पे खेल रहा है, इतना साजिश के साथ झारखंड की पहचान, झारखंड की नौकरियों को बाहरियों को बेचने का काम हो रहा है। और एक बात, आज तमाड़ एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ बढ़िया एजुकेशन भी अपने खाले पंडू में है, सिर्फ पंडू में है ना, बढ़िया कॉलेज या जो भी है उसके बाद चांडिल पड़ता है, इधर तो कहीं नहीं है, बुंडू के बाद चांडिल। यहाँ भी समझिएगा, बुंडू से चांडिल की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, यानी जहाँ पहला बात है आपकी एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, आप ना पढ़िएगा न हक अधिकार के लिए लड़िएगा, बहुत शादी से कहाँ बुंडू और कहाँ चांडिल 62 किलोमीटर दूर। अरे आप हमें बोलते हैं ना कि एक पेट भोजन नहीं दीजिए, दिन में एक ही बार खाने दीजिए, लेकिन शिक्षा मिलनी चाहिए, ये शिक्षा मिलना ही मिल ही नहीं रहा है। और एक बात, आपका पहला विश्वविद्यालय 1960 में बना था, रांची विश्वविद्यालय सभी जानते हैं, झारखंड में पहला विश्वविद्यालय 1960 में बना था, दूसरा कब बना था 1992 में बिना भाई हजारीबाग, 32 साल के अंतराल के बाद बना था। सोच सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है, 32 साल बाद दूसरा विश्वविद्यालय आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ना ये पढ़ने देंगे, ना ये लोग एग्जाम को पास करेंगे, ना नौकरियों में आएंगे, ना अधिकारी बनेंगे, ना झारखंड के हित में काम होगा। आपने 9वां या 10वां में को इतिहास में पढ़ा होगा वियतनाम और फ्रांस की कहानी, वियतनाम जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, 9वां या 10वां में हम कन्फर्म नहीं कर पा रहे, वियतनाम और फ्रांस की कहानी। फ्रांस का कंट्रोल था वियतनाम में, फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी उनका जो डिपार्टमेंट था वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर देते थे, ना वियतनाम के स्टूडेंट पास कर पाएंगे, ना नौकरियों में वो फ्रांस का मुकाबला करेंगे। तो आज वही हाल झारखंड का है। आप देखिए झारखंड के क्षेत्रीय लैंग्वेज 9 है, उनमें जो हमारा नया विश्वविद्यालय बना धनबाद में कोई पढ़ाई नहीं होती, जबकि लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट हजारों की संख्या में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में, क्योंकि विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय है तो आप उनकी मातृभाषा बोलवाली है उसे पढ़ाइए, उसके साथ संताली पढ़ाइए, कठा पढ़ाइए, जो भी धनबाद के क्षेत्र में बोली जाती है वे लोकल भाषा उनको पढ़ाइए। लेकिन अब क्या सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपका पटमदा में
कॉलेज है, वहाँ मैथिली पढ़ने वाले मात्र 8 स्टूडेंट है। रिपोर्ट कहती है, अब क्या है पता नहीं, कुछ सालों पहले की रिपोर्ट है, मैथिली भाषा, मैथिली मैंने क्या वही बढ़िया भाषा बोलो भाषा, तो मैथिली को पढ़ने वाले मात्र 8 वो स्टूडेंट है। विभाग ने 4 सालों में 4,37,00,000 खर्चा किया है। आप समझिए, अगर आज नहीं समझते हैं, आप नहीं, आज नहीं पूछते हैं तो नुकसान होगा। 8 वो स्टूडेंट, 8 सिर्फ 8 वो है, और 8 के लिए 5 करोड़ खर्चा हो चुका है। यहाँ हमारे पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। क्योंकि वे लोग जानते हैं, वे लोग जानते हैं कि जिस दिन झारखंड में यहाँ के लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, संथाली हो, मुंडारी हो, कुड़ूप हो, गुड़वाली हो, गोटा हो, नागपुरी हो, पचपरवनिया हो, सादरी, जो भी हो यहाँ की भाषा है, जिस दिन यहाँ की भाषा में पढ़ाई होगी और उस भाषा में एग्जाम लिया जाएगा, बाहरी लोग कैसे छट जाएगा, वेरिएंट कैसे छट जाएगा। तो इसीलिए लोग प्लानिंग कर रहा है कि भाई उन भाषा में बात ही नहीं होगी, उन भाषाओं को खत्म करना है, तभी तो झारखंड में लुट सकते हैं। यदि उन भाषाओं को समृद्ध किया जाए, उन भाषा में पढ़ाई होगी, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो झारखंड को लुट नहीं पाएंगे। और UNO की रिपोर्ट भी कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे, उसमें से मुंडारी हो, गुड़ू, खड़िया, कच्छा, बिरहरी, बिरजिया, असुरी, ये 8 भाषाएं जो झारखंड की भाषा है, ये आने वाले 2050 तक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो सरकार सोचे ही हुई है, सरकार को कोई खबर नहीं है। अरे असुर जनजाति जिसने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, तीर धनुष बनाना सिखाया, जिसको देखकर राजा युद्ध लड़ते थे, आज वो जनजाति खत्म होने वाली है, उसकी भाषा खत्म हो चुकी है, असुरी भाषा खत्म हो चुकी है। तो सरकार को इसका कोई खबर नहीं है, सरकार को मैथिली की चिंता है जो यहाँ की भाषा नहीं है। सुने रांची में टीचर का वैकेंसी भी निकाल दिया है मैथिली में। असुरी भाषा जो एक प्राचीन भाषा है, आदिकाल की भाषा है, पाषाण काल के आसपास की भाषा है, उस भाषा को खत्म होने दिया सरकार ने, कोई कदम नहीं। ये मैथिली भाषा, अरे भाई जिसका बाप काका कोई और है उसको यहाँ लोग शरण दे रहा है, उसको यहाँ शरण दे रहा है। तो चीजों को समझना होगा कि कितनी प्लानिंग के साथ, कितनी धोखे में रखकर झारखंड की पहचान को मिटाने का काम हो रहा है लगातार। आप देखिए, थोड़ा संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 395 मूल अनुच्छेद हैं, उनको बहुमत के साथ आप इधर उधर कर सकते हैं। अनुसूची 12 को है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा, न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसमें 12 अनुसूची में अनुसूची 9 है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून की बात करती है। अनुसूची 9 जो है वो भूमि सुधार कानून की बात करती है, उसमें 284 वो कानून है। दिल्ली से लेकर गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, जितना भी राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, सबका कानून वहां लिखा है 284 कानून। उसमें कानून नंबर 209 में CNT एक्ट का भी 7 या 8 वो धारा शामिल है। उसमें 46 नंबर की धारा कहती है ST SC OBC का जमीन उसी वर्ग का आदमी ले सकता है। तो सरकार बताए, जितने ISIPS बैठे हुए बताए कि रांची में गैर आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा, सरकार बताए। आप संविधान कानून की बात करते हैं भाई, आप लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, कानून कानून संविधान संविधान, तो आप पहले ये बताएं कि रांची में आप कैसे बाहरी लोग जमीन खरीद पाया, जबकि वो नियम अनुसूची 9 में शामिल है। वो तो प्रधानमंत्री को 4 बार सोचना होगा उस नियम को बदलने के लिए, न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा। तो आपने जमीन को खिंचवाया कैसे, ISIPS मंत्री जवाब दे, और नहीं तो उसी में फिर एक कानून है सरकार एक ही बी में कि हम 100 साल बाद भी वो जमीन वापस ले सकते हैं। तब फिर टाइम मत लगाइएगा, अगर आप अभी चुप है तो 100 साल बाद, ठीक है आज हम नहीं समझ रहे हैं, आज नहीं पढ़े हम लोग ठीक से, आज एकजुट नहीं हो पाए हैं, 100 साल बाद भी वापस लेने का प्रावधान है, और जिस समय उखाड़ के फेंकेंगे तो संविधान की दुहाई मत दीजिएगा, तब कानून की बात मत कीजिएगा,
हल नहीं तो अधिकरण की बात कीजिए, जो लोग अधिकरणकारी है उन्हें साइड कीजिए, क्योंकि जमीन हमारी, शहादत हमारा, खून हमारा बहा है, संसाधनों का अधिकार हमारा हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को खत्म करती है, एक भाषा दूसरी भाषा को खत्म करेगी। आपने तिब्बत और ताइवान का नाम सुना है? तिब्बत और ताइवान का नाम आपने सुना है ना? ये दो को कभी कंट्री था, थोड़ा गूगल कीजिए ना, मिल रहा है क्या नक्शा में? मिल रहा है क्या तिब्बत और ताइवान? नहीं मिल रहा है। कहाँ है लोग, कहाँ है, कहाँ? ये तो मैंने अंतरिक्ष पर नहीं चला गया होगा, ये पता मेरे को नहीं गया, तो है कहाँ? चाइना के भीतर है। तो चाइना ने लिया कैसे, चाइना ने लिया कैसे, इसको भी समझना होगा। तिब्बत और ताइवान की जो परंपरा है कहीं ना कहीं चाइना की परंपरा से मिलती है। उसने परंपरा का हवाला देते हुए, संस्कृति का हवाला देते हुए, भाषा का हवाला देते हुए, मान्यता का हवाला देते हुए इनको वापस चाइना में मिला लिया। तो ठीक उसी प्रकार आज से 20-30 साल बाद पक्का झारखंड में ही होगा। यदि हम लोग नहीं बचा पाते अपने परंपरा को, बंगाल इधर से हमला कर दिया है, उसका पर्व, उसका तौर तरीका, उसका पहनावा, उसका खान पान इधर से झारखंड में एंट्री हो रहा है, इधर से बिहार का परंपरा, बिहार का तरीका एंट्री हो रहा है, इधर से उड़ीसा का, इधर से उत्तर प्रदेश का। अब आज से 20 साल बाद क्या हुआ थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम एक फिलोसोफर है, हम दर्शन भविष्य का दर्शन यहीं से करा दे रहे हैं आपको। जब वे लोग मजबूत हो जाएंगे, और ऐसे भी मजबूत लोग हैं क्योंकि उनकी भाषा अनुसूची 8 में शामिल है, और जो भाषा अनुसूची 8 में शामिल है उसे कुछ खतरा नहीं। वे लोग मजबूत है, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, हमसे संपन्न लोग हैं। नहीं तो पता कीजिए ना, जितना गोलियारी है सब मैनेजर कहाँ का मिलेगा? बंगाली बाबू। आज जितना अधिकारी है सब बिहार और यूपी का, ये तो मानेंगे ना, हमसे भी लोग थोड़ा तेज लोग है। तो जब उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन इधर से बंगाल का, इधर से बिहार का, उधर से यूपी और उड़ीसा का आएगा, एक दिन फिर वे लोग कहेंगे अरे इन लोग तो हम लोग की तरह बोलता है, इन लोग को तो हम लोग की तरह पहनता है, वापस मिलाया जाए। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। क्यों? आप कैलेंडर खोलिए ना, आपका शहरूल, बांद्रा और सहराय कहाँ है, और देखिएगा बाकी का फर्क लोग यहाँ का नहीं है, उसका फर्स्ट पेज में रखा है, रहता है कि नहीं रहता है। देखिए जब इसे बात समझना होगा, ये चीजें समझनी होगी कि हमारी भाषा, हमारी लोकप्रियता, हमारी जो लोक आस्थाएं हैं उनको पेपर में कहां स्थान मिलता है, और जो अतिक्रमणकारी मान्यताएं हैं उनको पेपर में कहां स्थान मिलता है। देखिए हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे भाषा हो, पर्व त्यौहार हो, लेकिन झारखंड के तो विशिष्ट कल्चर है, इसको भी आपको मानना होगा। यहाँ का कोई समुदाय है, अरे मुंडा संथाली कुर्मी तो बाप की बात है, लोग तो आइए है। यहाँ का ब्राह्मण और मुसलमान भी मांदा की थाप में जीता है, झारखंड एक अलग संस्कृति का राज्य है, तो हमारी मान्यता एक अलग है, इस चीज को समझना होगा। तो जब हम लोग नहीं समझेंगे, अपनी संस्कृति को धूमिल करेंगे, तो निसंदेह वे लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करेंगे। कोई भी जो स्टार्टिंग हमला होता है ना, वो इसी तरह से होता है, डायरेक्ट हमला नहीं होता है, तो इन चीजों को समझना होगा। इसीलिए हम यही निवेदन करेंगे, आपकी जो भी मान्यताएं हैं, आपकी भाषाएं हैं, बोली है, पहनावा है, खान पान है, तो जैसा भी है, अरे देहाती है ना भाई, तो देहाती अंदाज में जिए, नहीं तो फिर लोग फिर निकल जाएगा। और ऐसे भी कहावत है ना, तोता को कोई गुलाम नहीं बना, सॉरी कोयल को कोई गुलाम नहीं बनाता है कौवा को, क्योंकि भले काला है अपनी भाषा में बात करता है, तोता कितना सुंदर है नकल करता है, गुलाम बना लिया जाता है। तो झारखंड के साथ भी ये चीजें सामने आएंगी, आज आए कल आए 10 साल बाद आए, मैं आज आपके मन से प्रमाण की धरती से कहके जा रहा हूँ, ये चीजें झारखंड देखेगा। यदि झारखंडी लोग अपनी भाषा परंपरा को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, तो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, झारखंडी कल्चर को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, ये तय है। इसको आप चाहे तो वीडियो ले ही रहे हैं, कागज में लिखी है, नीचे साइन कर रहे हैं, आने वाले 10-20 सालों में ये चीजें हमको देखने को मिलेंगी। आज तो मैथिली को एक टीचर मिला है, एक दिन 100 को मिलेगा, और आपकी भाषा तो खत्म हो रही है। UNO की रिपोर्ट कह रही है झारखंडी भाषाएं खत्म हो रही है। तो इन चीजों को समझना होगा, हमें जन जागरूकता के माध्यम से गांव गांव जाना होगा और अपने लोगों को जगाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा।
हम बार बार कहते हैं कि भैया कोई मसीहा आने वाला नहीं है, लड़ने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा, इसी भेड़ में से किसी को फिसला तो किसी को निर्मल बन के निकलना होगा। हम तो बार बार यही कहेंगे कि भैया समय की मांग है, समय की मांग है, एक बेटे को मास्टर बनाइए, बेटी को डॉक्टर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन तीसरा को निर्मल और दूसरा जरूर बनाइए, ये समय की मांग है।